सोशल मीडिया मैनेजमेंट के 10 ईयर्स के बाद भी डिमांड होगी या नहीं? सोशल मीडिया मैनेजमेंट इजी है या सोशल मीडिया मार्केटिंग है? प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को ये आती है कि हम हमेशा डाइवर्ट हो जाते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे और दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ पे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट इजी है या सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है या आपके थोड़ा सा उस टाइम पे उस कैलिबर पे डिपेंड करता है जहाँ पे आप राइट नाउ खड़े हैं। अगर तो आपको लगता है कि आप थोड़े से बिजनेस को अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर लेते हैं और आप मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करते हैं और आप फॉर्मूला समझते हैं बिजनेस का, मार्केटिंग का, ROI का, तो फिर तो आपको मार्केटिंग वाली साइड पर जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी बिजनेस के लिए उसके कॉन्टेंट को मैनेज कर सकते हैं, उसके सोशल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, तो फिर आपको वो करना चाहिए। सो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपने मैनेजमेंट वाली साइड पर जाना है सोशल मीडिया की या आपने मार्केटिंग वाली साइड पर जाना है सोशल मीडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के समझने के लिए। तो अगर आप डिजिटल एजेंसी बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर डिजिटल एजेंसी बनाएं, अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेहतर करें। जो लोग डिजिटल एजेंसी को क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि आप डिजिटल एजेंसी भी बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन आप जो है ना वो स्टार्ट किसी एक नीश से करें। मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा स्टार्ट करने से आप जो है ना वो काम नहीं चला पाएंगे। एक तो एक्सपेंस बढ़ जाता है, दूसरा एक्सपर्टीज़ उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत लंबी चौड़ी फील्ड है, तो मैं हर बार ये बात करता हूँ इसके ऊपर फोकस करता हूँ कि लोगों को ये बात समझ आ जाए कि डिजिटल मार्केटिंग छोटी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इसको करें, आप सोशल मीडिया थोड़ा सा, फिर SEO को अंडरस्टैंड करें, फिर आप जो है PPC अंडरस्टैंड करें गूगल वाली साइट के ऊपर, फिर सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग अंडरस्टैंड करें, उसकी मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड अलग से करें, उसकी मार्केटिंग को अलग से अंडरस्टैंड करें, फिर वेब के ऊपर आप किस तरह से वेबसाइट्स को सेटअप करते हैं, किसी बिजनेस के लिए परफेक्ट वेबसाइट किस तरह की होती है, उसकी सर्विसेज या उसकी प्रोडक्ट या लैंडिंग पेजेस कैसे होते हैं, कॉन्टेंट किस तरह का होना चाहिए, और अपना FB का पेज भी मैनेज कर रहे हैं और सर्विस देना चाहते हैं तो ज़रूर सर्विस दें और परमानेंट कैरियर के तौर पे उसको ज़रूर लेके जा सकते हैं आप। बहुत अच्छा स्किल है, हाई डिमांड स्किल है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, और आप इसको आगे ज़रूर मूव करें, कोशिश करें कि आप जो है इसके अंदर एक्सपर्ट बने। एक्सपर्ट बनने के लिए हमेशा से मैं ये बोलता हूँ कि आपको काफ़ी सारे घंटे जो उनसे हैं वो स्पेंड करने हैं, स्पेंड करने चाहिए हैं आपको। जब आपको आप ऑलमोस्ट मिनिमम 9600 आवर्स जब स्पेंड कर लें किसी स्किल में, तो आपको वो स्किल जो सा है आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। और अगर आप किसी एक स्किल के एक्सपर्ट बन जाएं, आपके पास वो वैल्यू आ जाए, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को ये आती है कि हम हमेशा डाइवर्ट हो जाते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे और दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ पे, और हमें इंटरनेट पे हर चमकती हुई चीज़ सोना नजर आती है। कभी हम ग्राफिक्स में चले जाते हैं, कभी हम वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, कभी हम वर्डप्रेस सीखना शुरू कर देते हैं, कभी हमें एकदम से SEO आसान लगना शुरू होती है, कभी हमें कुछ आसान लगता है, तो उस वजह से हम पैसे नहीं बना पाते। आपको किसी एक स्किल के अंदर पहले अच्छी तरह से ग्रास्प उस पर हासिल करना है, आपने उस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है अच्छा खासा, उसके बाद आपको कोई और स्किल, और इन सब स्किल्स के साथ आपको जो है अपना कम्युनिकेशन स्किल्स साथ साथ इम्प्रूव करना है, मुसलसल इम्प्रूव करना है, अगर आप ढेरों पैसे बनाना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आपका वो कोर्स बेस्ट है जिसके अंदर आपको थोड़ा कंफर्ट हो, जिसके अंदर आप पैशनेट हो, जिसको आप हमेशा कर सकें, जिसको आप दिल से कर सकें, जिसके अंदर आपको ये ना लगे कि आप थक गए, जिसके अंदर आपको कि जितने मर्जी आज डालने पड़े आप शौक से डाल सकें, जिसके अंदर आप काम करके उसको बार बार देखें आप खुश हों, आपको मजा आए अपना। अच्छा, काम करके। ये बात है इमरान साथ में कि अगर तो आपके पास स्किल है ऑलरेडी और आप सिर्फ फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहे हो, तो फिर आप फ्रीलांसिंग सक्सेस प्रोग्राम हमारा फ्री में उसके सारे कोर्सेज प्लेलिस्ट अवेलेबल है वो देख लो, अपवर्क की फाइवर की ट्रेनिंग ले लो। अगर आपके पास स्किल ऑलरेडी है और फ्रीलांसिंग आप सीखना चाहते हो तो अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग सक्सेस प्रोग्राम, ये तीनों आपको इजीली मिल जाएंगे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने सोशल पेजेस सेटअप करें, उनको मैनेज करना स्टार्ट करें, सोशल मीडिया का दानकाश का जो कोर्स है उसको देखें, उस कंटेंट कैलेंडर कैसे बनता है, पोस्टिंग कैसे की जाती है, बफर का टूल है, हॉटसूट का, डिफरेंट टूल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। सो थोड़ा सा अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें पहले अपने ब्रांड के लिए, बिजनेस को लर्न करें, कैनवा का टूल है, हाँ,
सो पहले अपने ब्रांड के लिए हैंड्स ऑन करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग का हमारा प्लेलिस्ट, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स वो देखें, फिर साथ में किसी एक और ब्रांड के मैनेज करना शुरू करें, अपने अम्मा अब्बा का कोई बिजनेस, बहन भाइयों का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, लोकल मार्केट में कोई आपके जानने वाले हैं उनका कोई बिजनेस। सो स्टार्ट में किसी का बिजनेस बेशक आपको पे नहीं भी कोई कर रहा, 10 to 15 days आप उसको फ्री सर्विस देना स्टार्ट करें, एंड इन द लॉन्ग रन आप उसे फिर पेड सर्विस भी दे सकते हैं। बट इसको स्पेशलिस्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हैंड्स ऑन काम किया जाए, ठीक है। सो हम जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितनी मर्जी कोर्सेज देख लें, एज लॉन्ग एज हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो हमें इतना ज्यादा नहीं आएगा। सो वेरी मस्ट कि आप सीखें, साथ साथ आप अप्लाई करें। जो 4-5-6 वीडियोस मैंने कम्युनिकेशन के बनाए हुए हैं वो देख लें, इसके साथ साथ यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लोग फ्री वीडियोस कम्युनिकेशन की उन्होंने बना के रखी होती हैं वो वीडियोस फॉलो करें, अंग्रेजी फिल्में देखा करें, सब लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, अंग्रेजी सीरीज देखें, अंग्रेजी फिल्में देखें, और सोशल मीडिया पे दोस्त बनाए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएस के, यूके के, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें, उनके साथ बात करें, जैसे हम आपस में दोस्त बनाते हैं, बात करते हैं, जो कॉन्वर्सेशन है बात करना, उससे सबसे ज्यादा कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। तो कोशिश करें कि अपने पेन पाल्स या सोशल पाल्स बनाएं यूके के अंदर, यूएस के अंदर, उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें, बेशक उसको बताएंगे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहा हूँ, गोरे यूजुअली अच्छे होते हैं यार, नाइस हार्टेड पीपल होते हैं, आपसे कहेंगे मैं अंग्रेजी सीखना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ हम वंस अ वीक बात कर लिया करें, तो ही विल बी मोर देन हैप्पी या शी विल बी मोर देन हैप्पी। तो आप करें एंड कम्युनिकेशन जरूर करें, अपना स्किल इम्प्रूव करें, क्लाइंट कम्युनिकेशन की तरफ बाद में आए, पहले बेसिक कम्युनिकेशन सीखें। हमारे बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ था, इसके ऊपर हमारा बड़ा खास फोकस है, जरूरी नहीं है कि आपने कोई एजुकेशन ली, वैसे तो एजुकेशन लेके भी लोग नहीं कई दफा पैसे कमा सकते, अगर वो करना चाहता है तो उसको जरूर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ऐसा ऐसा स्टार्ट करें, और अगर वो मेहनती है, मेहनत में बिलीव रखता है और जिंदगी में कुछ करना चाहता है, और अगर वो इसको डिजाइन साइड है या सोशल मीडिया साइट है, इसके अंदर तो इतना पढ़ा लिखना होने की जरूरत भी नहीं है, पोस्ट करना, मैनेज करना, स्केड्यूल करना, डिजाइन करना, ये सारे ऐसे काम है जिसके अंदर आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा भी इतना नहीं रिक्वायर्ड है एज सच, तो आप कर सकते हैं इजिली। सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का फर्क कोई बेतहाशा दफा हम बता चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग होती है किसी भी बिजनेस को इंटरनेट पे किसी भी तरह प्रमोट करना, ईमेल से, एफिलिएट मार्केटिंग से, ई कॉमर्स स्टोर से, वेबसाइट उसके अंदर आ रही है, सोशल मीडिया उसके अंदर आ रहा है, एसईओ उसके अंदर आ रहा है, लैंडिंग पेज, गेस्ट ब्लॉग, सब कुछ जो कुछ भी इंटरनेट पे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल होगा वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगा, जबकि सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे कोई पूछे कि लाहौर और पंजाब में क्या फर्क है, तो लाहौर पंजाब के बीच में आता है, इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के बीच में आती है। बिल्कुल सोशल मीडिया कंटेंट लिखने का तरीका ही होता है कि आप छोटा कंटेंट लिखें, एंगेजिंग कंटेंट 300 से कम होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर तो 300 वर्ड्स भी नहीं, आप 2 to 3 सेंटेंस भी लिखें तो मोर देन इनफ है, लेकिन एंगेजिंग होना चाहिए, एंगेजिंग से क्या होता है, थ्रो अ हुक, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, स्टार्ट विद अ फैक्ट, स्टार्ट विद एन असर्शन, स्टार्ट विद अ निगेशन, टेल अ स्टोरी, तो ये कुछ तरीके हैं एंगेजमेंट क्रिएट करने के, हुक क्रिएट करने के, तो हुक लाजमी क्रिएट करें सोशल कंटेंट को लिखने के लिए, और राइट हैशटैग्स इस्तेमाल करें उसके साथ में, और अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश, बिकॉज पीपल हैव वेरी लिटिल टाइम एंड देयर स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग, तो कुछ ऐसा लिखें जिससे लोग स्टॉप हो जाएं। अगर आप वाकई ही मतलब लोगों के दिल में होता है हमने मिलियंस बनाने हैं, हमने ये करना है, एक होता है सबका ख्वाब, ठीक है, अगर आप वाकई ये बनाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया जिसकी आज बात हो रही है, वैसे तो तमाम स्किल्स के थ्रू ऑलमोस्ट आप अपने इतने बड़े नंबर शो रीच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आपके बहुत हाई चांस है कि आप 3 साल के अंदर ही मिलियनेयर हो सकते हैं, विद इन बिफोर और इवन 3 साल के अंदर अंदर आप मिलियंस बना सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, बहुत हाई डिमांड स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर इसको आप ले लेते हैं, सोशल मीडिया का स्किल बहुत ताकतवर स्किल है, ये आपकी तरफ ना सिर्फ पैसे लाता है बल्कि ये बहुत तेजी से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, और आप जो है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की तरफ जा सकते हैं, अगर आपने फाइनेंशियल
फ्रीडम को अचीव करना हो, फाइनेंशियल फ्रीडम से मुराद ये है कि आप सो रहे हो, पैसे बन रहे हो, आपको फाइनेंशियल इश्यूज ना हो, तो आपके मिनिमम 3 इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू। आप 3 तो क्या, आप 4 इनकम स्ट्रीम्स भी रन कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ सिर्फ अपने सोशल मीडिया के स्किल्स के साथ डिफरेंट वर्क फोर्सेज को इन्वॉल्व करते हुए डिफरेंट बिजनेसेस की चीजों को आप बेच सकते हैं। आप सिस्टम पे बैठे हैं, लोग ऑपरेशन में बिजी हैं, एंड यू कैन मेक सो ओके 0304 111 5786 dankash.com